हमें बताना है कि कितना समय हो रहा है तो ये बता पाने के लिए पहले हम घड़ी को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो यहाँ हमारी घड़ी में कुल दो सुइयाँ हैं ये जो छोटी वाली सुई है ये एक घंटे वाली सुई होती है और ये जो बड़ी वाली सुई है ये हमारी मिनट वाली सुई होती है तो समय बताने के लिए हम सबसे पहले घंटे वाली सुई से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर ये छोटी सुई ये पाँच पर है यानी कि हम पांचवें घंटे में हैं फिर हम अपनी मिनट वाली सुई को देखेंगे तो यहाँ पर हमारी मिनट वाली सुई ये ठीक बारह की ओर इशारा कर रही है तो अब इसका क्या मतलब है तो इसे समझने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक संख्या यहाँ पर ये जो संख्याएँ लिखी हुई हैं एक दो तीन चार से लेकर बारह तक हर एक संख्या के ऊपर एक मोटा निशान बना हुआ है और हर दो संख्याओं या फिर मोटे निशानों के बीच में ये पतले पतले निशान भी बने हुए हैं तो यहाँ पर हर एक हिस्सा अगर हम किन्हीं भी दो निशानों के बीच का हिस्सा ले लें तो वो हमें एक मिनट दिखाता है यानी कि हर दो मोटे निशानों के बीच में हमारे पास कुल एक दो तीन चार पाँच पाँच बराबर हिस्से हैं यानी कि इन दोनों निशानों के बीच में कुल पाँच मिनट होते हैं तो घड़ी में जब हमारी मिनट वाली सुई बारह के निशान के ऊपर होती है तो इसे हम शून्यवा या फिर जीरो वाला मिनट कहते हैं तो जैसे जैसे ये मिनट वाली सुई आगे बढ़ती रहती है इन निशानों पे, हम एक एक मिनट तय कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारे घंटे वाली सुई है पाँच पे हम पाँचवें घंटे में हैं और मिनट वाली सुई है बारह पे यानी कि अभी शून्य मिनट हुए हैं यानी कि हमारी इस घड़ी में अभी पाँच बजे हैं चलिए इसे जांच लेते हैं दूसरा सवाल करते हैं तो दोबारा से हमें पता करना है कि यहाँ पर अब कितना समय हो रहा है और इसके लिए हम फिर से अपनी छोटी वाली सुई या फिर घंटे वाली सुई से शुरुआत करेंगे तो हमारी छोटी वाली सुई ये दस और ग्यारह के बीच में है यानी कि दस से तो ज़्यादा समय हो रहा है लेकिन ग्यारह बजे से अभी कम समय हुआ है यानी कि हम दसवें घंटे में हैं लेकिन कितना आगे बढ़ चुके हैं हम अपने दसवें घंटे में ये पता करने के लिए हमें अपनी मिनट वाली सुई को देखना होगा तो हमारी ये जो मिनट वाली सुई है ये यहाँ छः पर है तो अब इसका क्या मतलब है तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो मिनट हैं वो यहाँ बारह से शुरू होते हैं और हर दो संख्याओं के बीच में कुल पाँच मिनट होते हैं तो ऐसे करके चलिए गिन लेते हैं कि छः तक पहुँचने में हमने कुल कितने मिनट तय किए हैं तो 12 से 1 के बीच में हो गए 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक हो गए 10 मिनट ये हो गए 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट और 30 मिनट यानी कि हम दस बजकर तीस मिनट पर हैं अभी हमारी घड़ी में कुल साढ़े दस बज रहे हैं या फिर दस बजकर तीस मिनट हुए हैं चलिए इसे जांचते हैं बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं तो फिर से हम पहले अपने छोटी वाली सुई को देखेंगे और फिर अपनी बड़ी वाली सुई की बात करेंगे तो हमारी छोटी सुई यानी कि घंटे वाली सुई ये एक और दो के बीच में है यानि कि एक बजे से ज़्यादा समय हो रहा है लेकिन दो बजे से अभी कम समय हुआ है तो ठीक कितना समय है ये पता करने के लिए हम मिनट वाली सुई को देख सकते हैं तो हमारी मिनट वाली सुई यहाँ पर छः पर है और हर दो नंबर्स के बीच में कुल पांच मिनट का समय होता है और मिनटों की गिनती की शुरुआत हम हमेशा इस बारह से करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हो गए पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट पच्चीस मिनट और तीस मिनट यानी कि अभी एक बजकर तीस मिनट हुए हैं हम इसे डेढ़ भी बोल सकते हैं यहाँ पर अभी इस घड़ी में कुल डेढ़ बज रहे हैं इसे जांच लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अरे वाह हमने तो सभी सवाल कर लिए हैं